सागर रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानिता ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्श अवदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि नामयाम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वामितानंच पालने जीव दुखे सदा त्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानि देवी दयिताय कृपात्वय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति दल श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलाम्बर साम्बते पादाम्बुजायते नमः नमो भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविभाग विस्तर निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वांछा कल्प दुर्भयश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Yeah.
Ah.
इसको उधर घुमा दे गौरचंद्र
Thank you.
का संजीत को देता, इधर सामने आ बात कर, गला ठीक नहीं है तो गला हाँ जय Yeah.
सर्वशतो मां चरणेषु पिह
कृष्ण देव भव बंत हो बोलो 216
दिखा धर्मावती रानी है जरा संजीत को दे दो महामत गाय जो गाय लेगा तो सही हो जाता है गला। हाँ गले की क्या है बोलो महामत दे हरे कृष्णा सबसे बढ़िया गला सब बढ़िया बढ़िया गला कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Oh, hey.
माइक ले। ओम ज्ञानतिम ओम ज्ञानतिमिरं दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय विष्णुदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाच्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेव्य प्रियाई केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पादष्टोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे कैसे श्री पितामह भीष्म अपना शरीर को त्याग दे करके अपना नित्य धाम को चले गए। तभी उदाहरण देते हैं जैसे एक जादूगर जैसे जादू विद्या दिखाता है, हैं? लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, एक व्यक्ति को उसने काट दिया लेकिन तत्वतः वो काटा ही नहीं। उसी तरह यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं दिखाई क्या पड़ा, जैसे श्री पितामह भीष्म ने शरीर जिसे त्याग दिया लेकिन यहाँ पर कहते तत्वतः उन्होंने अपना एक स्वरूप में जो द्वादश महाजन हैं उनका जो नित्य स्थिति है एक स्वरूप में तो वहाँ चले गए और दूसरे स्वरूप में जो अष्टभ स्वरूप में आए थे दूसरे स्वरूप में उन्होंने मुक्त होकर के वहाँ चले गए। अभी हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे जब श्री कृष्ण ये संसार छोड़कर जब चले गए कैसे पंच पांडव भी ये संसार त्याग करके चले गए और जाने से पहले उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और वज्रनाभ को उन्होंने वृंदावन का राजा बना करके जब चले गए। इतने में श्री परीक्षित महाराज अभी राज्यत्व तो कर रहे। परीक्षित महाराज राज्यत्व तो करते समय इनकी पत्नी का नाम इरावती, इरावती को साथ में उन्होंने विवाह किया और उनको जो चार पुत्र उनको हुए हैं, चार पुत्र में यहाँ पर एक पुत्र का ही नाम दिया श्री जन्मेजय, हैं? इनके ऐसे करके उनको जन्मेजय आदि उनकी चार उनके बेटे हुए और उन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ कराया। अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर दे ना
क्या बन जाता है, इंद्रपद को प्राप्त करते हैं। लेकिन इन्होंने तीन अश्वमेध यज्ञ कराया है करके, अभी एक दिन उन्होंने दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। पहले पहले राजा लोग दिग्विजय करने के लिए निकलते थे, उन्होंने दिग्विजय करने के लिए जब उन्होंने निकले, निकलते निकलते उन्होंने हठात उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। मतलब क्या देखा कहते उन्होंने देखा त्रिपादहीन जिनके तीन पैर नहीं, एक वृष को उन्होंने देखा वो था धर्म, और एक खिणांगी मतलब शरीर जिसका बड़े दुबले पतले हैं, और अनाथ जैसे उन्होंने एक गाभी को दर्शन किया, वो कौन थी कहते वो थी धरित्री। उन्होंने देखा ये धर्म और ये धरित्री ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इतने में धर्म धरित्री को प्रश्न करती हैं, बोले धरित्री ये बताओ तुम क्यों दुखी हो रही हो। तब इस समय धरित्री कहती हैं बोले दुख का कारण ये है, जिस समय कृष्ण इसी संसार में थे, अभी कृष्ण थे ना, कृष्ण चले गए, कृष्ण रहते समय जो धर्म है संपूर्ण चार चरण में जगत में निवास करता था, जैसे तप शौच दया और सत्य, ये धर्म का ये चार चरण लिख लो सब, सब कल सबको पूछूंगा। इसलिए उन्होंने तप शौच दया और सत्य, ये धर्म का ये चार चरण, धर्म उसी समय में चार चरण में निवास करता था, और कृष्ण रहते समय सबके सब प्रसन्न रहते थे हैं, जैसे राम राज्य कहते हैं ना, इसलिए कोई दुखी नहीं रहते थे। कृष्ण रहते समय भी ये धर्म चार चरण में रहता था, सबके सब प्रसन्न चित्त में सबके सब रहते थे। लेकिन जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, अभी इन अंतर्ध्यान को देख करके ये पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। बोले क्यों दुखी हो गई, बोले कारण है ये सब के सब कलयुग में जितने सब राक्षस लोग हैं, राक्षस लोग सब कलयुग में जितने शूद्र, देखो पहले से ही बता दिया, जितने शूद्र ये पृथ्वी को ऊपर राजत्व करेंगे, ये भविष्यवाणी है। शूद्र लोग अभी भाग्य मोदी कैसे आ गया, योगी कैसे आ गए, इसलिए कहते सब शूद्र है ये पृथ्वी के ऊपर में, शूद्र सब के सब शूद्र राजत्व करेंगे पृथ्वी के ऊपर में। इसलिए पहले जिस समय श्री कृष्ण जिस समय आए हुए थे, उसी समय में कृष्ण का चरण स्पर्श को पा करके ये पृथ्वी इतने प्रसन्न होती थी, कभी जो घास रूप में, कभी घास रूप में नहीं है, ये क्या है, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी की जैसे रोंगटे खड़े होते थे हैं। गोपिया कहते ना, हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है, इसलिए कहते उसमें जो झरना है, कहते वो झरना नहीं, ये पृथ्वी कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके अपना आंखों का आंसुओं को बरसन कर रहे हैं है? और जब कृष्ण जब चलते थे उस समय स्वयं पृथ्वी देवी अपना जीवा निकाल देती थी, गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा निकाल देती थी, इसको ऊपर में कृष्ण का चरण स्पर्श होता था, अपना हृदय को बिछा देती थी पृथ्वी, गिरिराज गोवर्धन है भगवान की चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी परम आनंदित होती थी। अभी है कर परम आनंदित हो, फिर कृष्ण जब आए कहते परित्राण साधु नाम बिना साच दुष्कृतम, जितने दुष्ट लोग थे कृष्ण आए तो सारे दुष्ट को उन्होंने विनाश किया, जब विनाश किया तब ये पृथ्वी शांति हो गई, पृथ्वी शांति हो गई, क्यों सबके सब धर्म आचरण कर रहे, धर्म मार्ग पर चल रहे, पृथ्वी यही चीज चाहती है सबके सब धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म कोई नहीं करे जगत में, तब पृथ्वी बड़ी प्रसन्न रहती है। तब श्री परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते जब उन्होंने श्री सरस्वती नदी को किनारा में श्री कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए, तब इतने में ये पृथ्वी धर्म के अंदर में बात करते हुए देखा, उन्होंने क्या देखा, एक एक वृष जिसका तीन पैर नहीं, वो वृष एक पैर में खड़ा हुआ, और उन्होंने और एक शूद्र राजा उस जो एक पैर में जो खड़ा हुआ उसको मार मार करके तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, और गाभी जो धर्म थी ये दोनों के ऊपर में ये
अत्याचार करते हुए देखा और गाभी और वृषा विष्टा और मूत्र को विसर्जन कर रहे थे। इसको देख करके अभी ये दुर्बल प्राणी को ऊपर में अत्याचार देख करके परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना मयान से उन्होंने तलवार निकाले और उन्होंने वध करने के लिए उन्होंने उसको ऊपर में उद्यत हो पड़े। जब वध करने के लिए उद्यत हुए इतने में श्री जो कली वो था कली। अभी ये कली को पता है ये परीक्षित महाराज इतने प्रतापी थे परीक्षित महाराज। कद जो पंच पांडव में जो गुण था ना अर्जुन जैसे ही धनुर्धारी थे, कद भीम जैसे गदाधारी, भाला युद्ध में युधिष्ठिर महाराज जैसे, तलवार युद्ध में नकुल सहदेव जैसे, उनका सारे गुण था। और धर्म महाराज का जो धर्मराज जो युधिष्ठिर का जो धर्म है इनके अंदर में विद्यमान था। ये सबके अंदर में जो गुण है ये परीक्षित महाराज के अंदर में ये सारे गुण से परिपूर्ण थे परीक्षित महाराज। इसलिए इनकी प्रताप को ये कली जानता था, ये बड़े प्रताप ही है, मेरे को जान से खत्म कर देते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है ये अर्जुन का वंशधर है, ये अर्जुन का जो वंशधर है वो कभी शरणागति व्यक्ति को कभी मारते नहीं, उसको ये बात पता था। इसलिए उसने क्या किया, सीधा उन्होंने लेट गया परीक्षित महाराज के चरण में। क्यों, वो शरणागत व्यक्ति को कभी हाथ नहीं उठाते हैं, उनके चरण में गिर गए। जब उन्होंने चरण में गिर गए इतने में पूछे भैया ये तुम कौन हो, बोले मैं कली हूँ। तब उन्होंने पूछे, फिर उन्होंने जो वृषभ था वृषभ को उन्होंने पूछे भैया तुम्हारी ये दुख का क्या कारण है। देखो यहाँ वृषभ क्या कहते हैं कि जो दुख का जो कारण है उसमें अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार भाव अभिव्यक्ति करते, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। बोले कौन, बोले जो योगीगण कहते ये आत्मा को ये दुख का कारण बताते हैं, नास्तिक लोग किसको दुख का कारण बताते हैं, बोले निज शरीर को, निज शरीर को ही वो बताते हैं ये दुख का कारण है। कहते जो अदृष्टवादी, जो अदृष्टवादी कहते ये किसको दुख का कारण बताते, बोले दैव को, कहते ना दैव ही दुख का ये कारण है। कहते जो मीमांसक गण वो दुख का कारण किसको बताते हैं, बोले कर्म को, लिख रहे ना मीमांसक लोग कर्म को ये दुख का कारण कहते हैं, जोगी लोग आत्मा को, योगी लोग आत्मा को, नास्तिक लोग अपना शरीर को, और जो अदृष्टवादी हैं जो दिख नहीं रहा है कहते ना ये कहते ये दैव को, कहते मीमांसक गण ये कर्म को एक मतवादी, और सांख्य मतावलंबी कहते ये प्रकृति को। ये लोग अलग अलग बात कहते हैं लेकिन यहाँ पर हैं, यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कह रहे ये हमारे धर्म कह रहे हैं कहते ये जो वैष्णव लोग हैं कहते ये आप वैष्णव लोग फिर किसको कहते हैं, हम जब दुख कष्ट आए वो किसका कारण कहते हैं, वो कभी किसको ऊपर में दोष नहीं देते हैं। हाँ इसलिए ये कभी किसको ऊपर दोष नहीं देते हैं, अपना कर्म को ही, हमने जैसे कर्म किया इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ना तत्व निकम पास समाण भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम। जीवन में जो कुछ आता है अपना जीवन का किया हुआ कर्म को मान कर उसको भोग लेनी चाहिए, हैं कभी किसको पर दोष नहीं देनी चाहिए। इसलिए धर्म ने कहा मैं किसको दोष दूं, मैं किसको दोष देना नहीं चाहता हूँ। जीव जो कर्म करता है वो जैसे बीज बोएंगे वैसे तो वृक्ष होगा ना, नीम बीज बोएंगे नीम वृक्ष आएगा, अगर हमने अंगूर का बीज बोएंगे तो वहाँ अंगूर का ही वृक्ष आएगा। बोले जैसे हम कर्म करते हैं कर्म अनुरूप हमें फल भोगना पड़ता है, इसलिए कभी किसको पर दोष नहीं देनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात बताया ना परीक्षित तुम्हारा समझ गए धर्म है, क्योंकि जो धर्म है वो कभी किसको पर दोष कभी नहीं देता है, वो अपना किया हुआ कर्म का फल को हंसते 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 उसको भोग लेता है। और हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, यहाँ पर वैष्णव लोग एक सुंदर कथा सुनाते हैं, इसको सुन लो। जीव कैसे अपना कर्म का फल कैसे भोग करते हैं, और यहाँ पर श्री धर्म ने किसकी दोष नहीं दिया, धर्म किसको दोष नहीं दिया, बोले किसका दोष क्यों नहीं दिया, कहते जब हम किसकी दोष देते हैं बा किसकी चुगली करते हैं, हम जिसकी चुगली करेंगे ना उसका सारे दोष आपका अंदर में आ जाएगा, और जिसकी चुगली करेंगे वो तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन जो करेगा उसको अंदर में ऊपर में सारे दोष आ जाता है। हाँ, एक स्टोरी सुन लो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने गए, जब भिक्षा मांगने गए संतरे का काम कर खा नहीं पाते हो, भीख मांगने के लिए आ गया, उसने घोड़े का जो लीड था ना उसको झोली में दे दिया, लेकिन वो वास्तव में संत थे, उसको लीड को लेकर थे चले गए। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करते करते हठात उन्होंने देखा पहाड़ आकार में घोड़े का लीड। बोले भैया इतने सारे घोड़े का लीड पूरा पहाड़, तो वहां पर देखा एक साधु भजन कर रहे। बोले बाबा ये पहाड़ आकार में ये घोड़े का लीड क्यों? कहते महाराज एक दिन आपके घर में मैंने भिक्षा लेने गया था। बोले हाँ। बोले आप मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड तो दिया था ना। संतों को अगर कोई चीज देते हैं ना वो कभी घटती नहीं बढ़ती है, वो कभी घटती नहीं वो हर समय बढ़ती रहती है। उदाहरण देते जैसे राम बाण, जैसे राम जब किसी बाण को स्पर्श करते वो एक गुना है, निकालते 100, लगाए तो 1000, जब खींचते हैं 1,00,000, जब छोड़ते हैं 1,00,00,000 गुरु में इसको प्राण को ले लेता है। इसी तरह जो संत जो भजन करने वाले उनका अगर कोई चीज दोगे वो कभी घटेगी नहीं वो बढ़ेगी। आप तो मेरे को लीड दिया था ना, इसलिए ये लीड, इसलिए ये पर्वत आकार में एक दिन ऐसे आएगा तेरे राज्य में ये लीड के सिवाय कुछ रह ही नहीं जाएगा। वो डर गया ये तो पूरा पहाड़ आकार में लीड है। तब उनके चरण में गिर पड़े, गिर करके माफी मांगने लगे। बोले बाबा माफ कर दो, मेरी अपराध हो गया, माफ कर दो, अभी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। बोले देखो अगर कुछ कोई लोग तुम्हारी बुराई करे निंदा करे फिर तो तुम्हारी ये लीड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम ऐसे काम करो जब पूरा तुम्हारे राज्य के लोग तुम्हारी बुराई करने लग जाए। बोले क्या करे? बोले तुम्हारे घर में एक बेटी है ना, युवती बेटी। बोले हाँ। बोले तुम ये बेटी को ले करके तुम्हारे घर को सामने जो बगीचा है ना वहाँ पर एक कुटिया बना करके अकेला तू रहा कर, जब रहा करेंगे लोग देखेंगे राजा अपना जवानी बेटी को साथ में रह रहा है, अभी सारा दुनिया निंदा करेंगे, अभी तो पूरा राज्य में घर घर में बुराई बुराई देखा, ये अधर्मी राजा को वो कर रहे हैं क्या? अपना जवानी बेटी को लेकर अकेला ये बगीचा में रह रहा है, पूरा गांव गांव में पूरा के पूरा शहर शहर में उसकी बुराई बुराई बुराई। एक दिन राजा फिर आश्रम में आया, देखा सारे लीड खत्म लेकिन एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा ये एक टोकरी बाकी कैसे रह गई? बोले तुम्हारे देश में तो सबके सब बुराई की लेकिन वहाँ पर एक भजनानंदी एक माता है, वो कभी किसकी बुराई नहीं करती है, हर समय माला लेकर के प्रभु की नाम जप करती हैं, इसलिए उसकी जो हिस्सा है ना ये रह गया। अगर वो बुराई करे फिर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो बुराई नहीं करेगा ना फिर तो इसको तेरे खाना पड़ेगा, इसको हाँ तेरे को इसको खाना पड़ेगा। इसलिए अभी बोले क्या किया जाए। इतने में राजा ने अपना राज वेश को परित्याग करते हुए उन्होंने साधारण एक व्यक्ति का रूप लेकर के वो बुढ़िया के घर में पहुंचे, देखा माता जी बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जप कर रही थी। और इतने में राजा जा करके उससे अपना बुराई करवाना चाहते थे। बोले माता जी तेरे को पता है वो राजा क्या कर रहा है? है इतना बोलते ही वो माता जी बोले दुष्ट राजा मेरे को सारे बात बता अपना भजन का प्रभाव से, तू वही राजा है ना जब वो संत तेरे घर में आए थे वो घोड़े का लीड तुमने दिया था ना, वहां जो एक टोकरी बच गया तेरे को खाना पड़ेगा,
मैं किसकी बुराई नहीं करती हूँ। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए, काहर ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कहले। जो व्यक्ति कभी किसकी बुराई नहीं करता है, हर समय भगवान की भजन करता है, पर जो भगवान को अजीत है, जिसको कभी जय नहीं किया जा सकता है, आप उसको भी जय कर सकते हो। जो कभी किसकी बुराई नहीं करते हो, हर समय भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, हैं। इसलिए अभी माता जी तो बड़े डांट लगाई तो बोले उसको खाना पड़ेगा। देखो यहाँ सिखा, इसलिए यहाँ पर जब धर्म को पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है, कहते मैं किसका दुख नहीं दे सकता हूँ, जीव अपना अपना कर्म का फल भोग करता है। ये वैष्णव सिद्धांत समझ गए, ये धर्म है, ये कभी किसकी निंदा कभी करेगी नहीं। इसलिए तब उन्होंने अभी परीक्षित महाराज ने कली को भगाना चाहता है, लेकिन कली शरणागत हो गया, बोले प्रभु मेरे को अपना स्थान दे दो। अभी परीक्षित महाराज पहले तो बोले मेरे देश में तुम रह नहीं सकते, मेरे देश छोड़कर चले जाओ। बोले कहाँ जाओ, संपूर्ण पृथ्वी में आपका राजत्व है। इतना इनके अंदर प्रताप था, बोले मैं जहाँ जाता हूँ ना, पृथ्वी में कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ आप कोई धनुष धारण करते हुए खड़े हुए, सब जगह में आप ही आप दिखते हो, मैं जाऊँ कहाँ, इसलिए मेरे को अपना स्थान दे दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं ये कली को स्थान दो कि नहीं दो, देने से क्या लाभ, नहीं देने से हानि क्या। उन्होंने देखा यद्यपि कली युग अधर्म का युग है, हैं, लेकिन कली युग में एक विशेष गुण है। ये श्लोक को लिख लो, कलेर दोष निध राजन अस्ति एक महान गुण। ये श्लोक को तुम लोग लिख करके, भागवत से लिख करके अच्छे तरह से उसको याद करना। इसलिए कली में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण, बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम परम ब्रज। अगर कली युग में थोड़ी सी भगवान का नाम को जप कर लो, इसी से ही जीव का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कली को उन्होंने स्थान दिया। और विशेष करके और एक चीज देखा, बोले क्या है, बोले ये जो कली युग है ना, ये धन्य कली युग। कौन सा कली युग? क्योंकि हर कली युग में महाप्रभु नहीं आते हैं, अभी इसी कली युग में महाप्रभु आकर के ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं। यहाँ पर थोड़ी चैतन्य महाप्रभु का कथा आप लोगों को सुना सकते हो, चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं, जो अनर्पित चरिंच रात, ये जो श्लोक है इसको आप यहाँ पर तुम लोग कोटेशन कर सकते हो, इसके माध्यम से महाप्रभु की कथा को सुना सकते हो, कैसे ब्रह्मा का एक दिन में आकर के कैसे वो ब्रज प्रेम को महाप्रभु प्रदान करते हैं। हर समय आते ही नहीं, और इसी समय वो आएंगे। इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, और जब इसी समय आएंगे, जैसे हर कलयुग में कल की अवतार होता है कलयुग में, लेकिन कहते ये कलयुग में कल की अवतार नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु आए, भक्ति का इतने प्रभाव बढ़ेगा, भक्ति की इतने प्रभाव भक्ति की बढ़ेगी, ये कलि अपना प्रभाव दिखा नहीं सकता है कलयुग में, हैं। पहले पहले आपको सुना होगा कोई एक आध कई वैष्णव का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन बड़ों तो में देखो सब तिलक कंठीधारी सब मालाधारी कितने सब वैष्णव है, वैष्णव वैष्णव है, और जो प्रचार करते हैं भक्त लोग, हाँ। इसलिए देखो, इसलिए प्रचार करनी चाहिए, है, प्रचार करनी चाहिए, प्रचार करोगे तब तो वैष्णव लोग बने ना। इसलिए सबके अंदर में जोश आनी चाहिए, हम सबके सब अपना अड़ोसी पड़ोसियों को प्रचार करेंगे, पूरा बड़ौतों को क्या बना देंगे, भगवान की भक्त बना देंगे पूरा बड़ौतों को। इस सभी के अंदर में ये जोश आनी चाहिए, घर घर में हम जाएंगे, घर घर में जा करके हरि भक्ति को प्रचार करेंगे, सबको हरि कथा सुनाएंगे, सबको भगवान की कथा सुनाएंगे घर घर में जा करके, ठीक है ना, कौन करेगा, हाँ, ये सबको करनी चाहिए, ठीक है ना, सबको करनी चाहिए। महाप्रभु का यही, प्रभुपाद ने, किसने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद जी एक शहर शहर में गौड़ीय मठ होनी चाहिए, बोले शहर शहर में क्या, गांव गांव, बोले गांव गांव के घर घर, बोले घर घर क्या, एक एक व्यक्ति को ही गौड़ीय मठ बना देंगे, एक एक व्यक्ति ही गौड़ीय मठ बना देंगे। लेकिन होगा कब, जब हम लोग ने भजन करके प्रचार करेंगे तभी तो होगा, नहीं तो होगा कैसे। इसलिए उन्होंने कली को उन्होंने स्थान दे दिया। बोले कली को कहाँ कहाँ पर स्थान दिया, इसलिए बताइए यहाँ पर इस श्लोक को लिख लो, दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा।
ये चार ये अधर्म का स्थान है। क्या है? दुतव। दुतव मतलब होता है जुआ खेलना है। धर्म का पहला चरण है सत्य। अगर जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सत्य नहीं बोल सकता है और झूठ को पर झूठ बोलता रहता है, इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाएगा। इसको लिख लो एक करके दुतम। दूसरा नंबर पानम। पानम मतलब जितने तरह का नस्ली वस्तु है, पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, दारू और चाय। चाय को अच्छे तरह से लिख लो, कॉफी। हाँ, कॉफी, चाय और कॉफी हैं। ये प्रभुपाद ने पूरा स्ट्रिक्ट नियम बनाए प्रभुपाद ने, लेकिन और कुछ कुछ गौड़ी वैष्णव, लेकिन वो लोग को तंबाकू की खाते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने एकदम स्ट्रिक्ट नियम बनाए, नहीं चाय में भी कफीन, निकोटिन चाय में भी निकोटिन कफीन है, इसलिए कोई नशीली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। दुतम पानम, इसको करने से दूसरा धर्म का दूसरा चरण क्या है? हाँ, तपस्या। जो व्यक्ति नशीली वस्तु लेते हैं तपस्या कब करेंगे? जब बुद्धि स्थिर रहेगा। और तुम्हारी जो बुद्धि विकृति हो जाएगा तपस्या क्या करोगे? शराब पीने से, गंजा पीने से, कुछ कुछ संप्रदाय हैं, हैं? कुछ कुछ संप्रदाय का साधु लोग भी गंजा पीते हैं, बोले एकदम मस्ती हो जाते हैं, पूरा भजन में मस्त हो जाते हैं। कोई कुछ भांग, कुछ कुछ भांग खाते हैं, मस्त नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और बुद्धि कोई काम नहीं करता है उनकी, एकदम एकदम नसड़ी गंजड़ी जैसे पड़े रहते हैं। बोले ना मस्ती, पूरा मस्ती, प्रभु का भजन में मस्ती। इसलिए कभी कभी शंकर जी का नाम की नाम दे देते हैं। आज शंकर तो गांजा फूंकते हैं, शंकर तो भांग खाते हैं, नहीं शंकर कभी नहीं खाते। कुछ दुष्ट लोग, तामसिक लोग शंकर जी का नाम देकर ना अपना स्वयं खूब स्वयं भोग करते हैं और उसका शंकर जी का नाम दे देते हैं। शंकर जी हैं, शंकर जी कहाँ? प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद। हाँ प्रसाद, बोले नहीं ये सब गलत चीज है। दुतम पानम। तीसरा नंबर स्त्रियम। कहते स्त्रियों को ऊपर में ये अधर्म का निवास, पाप का। बोले कौन सा स्त्री है? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का संग करते हैं। संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी कराओ। इसलिए इसमें धर्म का तीसरा चरण पवित्रता, इसमें पवित्रता नष्ट हो जाता है। और जो चौथा है सोना। सोना मतलब होता है जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है और प्याज लहसुन, ये सब चीज़ को नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने से क्या धर्म का चौथा चरण क्या है? दया। तब यहाँ पर कह रहे हैं ये जो जीव हिंसा, ये चारों पापों से सबसे ज़्यादा जो पाप जीव हिंसा, सबसे ज़्यादा पाप ये जीव हिंसा है। इसलिए ये जीव हिंसा करने से ये जो चार तरह का जो पाप, जो दया, तप, शौच, ये सब के सब ये जीव हिंसा में सब के सब नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा पाप ये जीव हिंसा, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाना, ये सबसे बड़ा पाप इसको बताए। जब उन्होंने इस सब स्थान को उन्होंने दे दिया है, हाँ देखो यहाँ पर कुछ श्लोक को लिख लो, कहाँ पर भागवत, कहाँ पर बताया गया ये जीव हिंसा पाप है, ये एक श्लोक लिख लो। ये भागवत का श्लोक है, बोले जे तो नहीं ब, हाँ जे तो नहीं ब, बी बी दो, बी दो असंत, हाँ ठीक है, इसको बाद में मेरे पास में बैठी करेंगे ना, इसको हम लिखा दूंगा। नहीं ये इसमें नहीं, ये भागवत में दूसरी जगह पर ये श्लोक है। अजय तनु विदा संसदा तदभिमानी न पशुनु दृहंत वृषद प्रत्याघादंत तेजान। इसका मतलब इसी जीवन में जो जिस पशु को काट काट कर खाते हैं, अगले जीवन में फिर वही उसको ही काट करके भोजन करता है। इसलिए इसका नाम मांस। मांस मतलब क्या? मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में फिर तेरे को जो खाएगा, इसलिए इसका नाम मांस। इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट बा ईट मी, मी ईट मीट है ना, मी ईट बा ईट मी, जिसको तुम खा रहे हो बाद में वही जिसको तुमको फिर खाएगा है। इसलिए भागवत में
दूसरे दूसरे कथा के सुरत महाराज कैसे यज्ञ में पशु वध करते थे हैं, कैसे श्री नारद जी बोले तुम ये क्या कर रहे हो, बोले यज्ञ में पशु वध कर रहा हूँ, बोले जानते हो इसका परिणाम क्या, बोले क्या परिणाम, बोले अभी तेरे को दिखाता हूँ। तब उन्हें कमंडलू से पानी लेकर जब उनको ऊपर छिड़काव कर दिया तो ये सब स्टोरी को याद रखो, जब छिड़काव करवाया देखा जमदूत उसको पकड़ करके ले जा रहे हैं और पूर्व जन्म में जितने जानवर को मारा था सब के सब लाइन से खड़े हुए और उसको शरीर को बोटी बोटी कर काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ दो कोई छोड़ नहीं रहा था उसको हैं। फिर उसको जो पानी छिड़काव दिया फिर दोबारा जिंदा हो गया, कांप रहा था, बोले क्या देखा, बोले मैंने सोचा तो मांस खा लिया हो गया, जितने जानवर को हमने खाया सबके सब मेरे को पकड़ करके जोर जोर करके बोटी बोटी कर काट कर मेरे को, अरे बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, बोले ये जीव हिंसा को परित्याग दो। इस कथा को स्टोरी को सब याद करो क्योंकि ऐसे ऐसे किसी अभी धीरे धीरे तो पहले खाते नहीं सारा दुनिया भी खाना शुरू कर दिया है, इसलिए और कहते कोई बोलता है हम तो खाते हैं थोड़ी काटते हैं, कोई कोई कहते ना हम थोड़ी मारते हैं हम तो खाते हैं। देखो ये श्लोक को लिख लेना, ये जो पाप है पांच व्यक्ति को कैसे बांट करके लेना पड़ता है। कहते अनुमंता लिख लो, अनुमंता विश्वमिता मिता निहंता निहंता क्रय विक्रयी संहर्ता चोपहर्ता च खादक स्चेति घातका, खादक स्चेति घातका है, बोले जो अनुमोदन करता है, जो काटता है, जो बिक्री करता है, जो खरीदी करता है, जो मारता है, जो रोसी बनाता है, जो खिलाता है, ये सबको पाप बांट कर लेना पड़ेगा। कोई बोले हम तो केवल रोसी करते हैं, हम तो केवल खिलाते हैं, बोले नहीं ये सबको ये पाप बांट करके सबको ये पाप बांट करके लेना पड़ेगा। इसलिए किस तरह से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, सबको भोगना पड़ेगा। ठीक है और सुनेंगे, टाइम हो गया। पशु मान को उद्धार ही जाए जे करे वो करे वो भगवान के खाओ छंती सब चीज में सब बात तो ठीक है पर लोग वो चाय वाली बात नहीं। हाँ देखो इधर इधर सुनो, हाँ और सुनो बैठे बैठे। फिर उन्होंने जब उनने जब स्थान दे दिया, चार स्थान दे दिया, तभी कली खुश नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ घूमते रहूँ, कौन जुआ खेल रहा है, कौन बेस्या घर में जा रहा है, कौन जानवर को मार रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूँ, मेरे को ऐसे के स्थान दे दो जहाँ पर सारे चीज वहीं पर मिल जाएंगे। फिर उन्होंने सुवर्ण में उन्होंने स्थान दे दिया, हाँ वो सोना नहीं वो जीव हिंसा है, उन्होंने सुवर्ण में उन्होंने स्थान दिया है। कहते क्योंकि सुवर्ण में क्यों स्थान दिया, बोले जो सुवर्ण में कहते जितने कहते वहां पर देखो यहाँ पर लिख लो, कहते सुवर्ण में पांच दोष है, कितना दोष है देखो इसमें क्या किया, पहला नंबर मिथ्या, दूसरा नंबर गर्भ अहंकार, तीसरा नंबर स्त्री संग की लिप्सा, चौथा नंबर हिंसा और पंचम नंबर शत्रुता। हाँ शत्रुता, ये जो पांच वस्तु है कदी ये सुवर्ण में ये पांच दोष सुवर्ण में, जिसको पास में पैसा रहेगा ये सारे जितने गंधे काम देखना, ये जिसके पास में पैसा है वो सारे को सारे गंधे काम यहीं पर सारे होते हैं हैं। और ये जो चार तरह का जो अधर्म है, जुआ कौन खेलेगा, वैश्या घर में कौन जाएगा, शराब कौन पिएगा, मांस कौन खाएगा,
जितने सारे पाप है कहती ये सुवर्ण को आश्रय करके रहता है। लेकिन अगर किसको पास में पैसा है, हैं, मैं उदाहरण देता हूँ ना, हाँ उदाहरण देता हूँ, कहते ये लक्ष्मी का बाहन कौन है? उल्लू। मतलब जब घर में लक्ष्मी आती हैं तो उल्लू के ऊपर सवार होकर के आती हैं और हमें उल्लू बनाता है, हमें उल्लू बनाता है, सारे पाप को लेकर आती हैं। लेकिन हाँ इस चीज़ को लिख लो, फिर कहते कहते लक्ष्मी की हैं और कौन वाहन है? कहते गरुड़ जी है, हैं गरुड़ जी। लेकिन कभी गरुड़ के ऊपर में लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती हैं, और नारायण को साथ में बैठती। मतलब क्या है, जब हम लक्ष्मी को बुलाते हैं किस लिए? भोग करने, माँ लक्ष्मी आओ घर में, धनम देही रूपवती स्त्री में देही भार्या में देही सब देही देही। बोले क्यों? हम उसको भोग करेंगे। उस समय लक्ष्मी कहते तू मेरे को भोग करोगी, इसलिए वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती हैं। लेकिन जब हम लक्ष्मी को बुलाएंगे, लक्ष्मी कौन है? नारायण की। अभी लक्ष्मी के बगैर नारायण की सेवा कैसे होगी? लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। और गरुड़ कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में। फिर हमारे घर को भगवान का धाम बना देगा, वैकुंठपुरी बना देगा लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के ऊपर होता नहीं कुछ, लेकिन लक्ष्मी को ठाकुर जी की सेवा के लिए ही लक्ष्मी को बुलानी चाहिए। ठीक है, हाँ जो कल है कि जो प्रथम स्कंध कल समाप्त होगी, जब कल प्रथम स्कंध समाप्त होगी फिर जहाँ से हमने कथा शुरू किया था फिर वहीं से तुम सबसे पहले में एक एक व्यक्ति को हम खड़े करके फिर पहले से सुनेंगे, क्योंकि हम चाहते पूरा के पूरा भागवत जब ये हो, तैयारी हो धीरे 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 धीरे, तुम्हारी भी तैयारी हो जाए, समाप्त होते ही जैसे तुम्हारी भी तैयारी हो जाए। ठीक है, हाँ बलवांछा कल्प तरभ सकृपा सिंध भय बच पतिता नम पावन भो वैष्णव नम, और उसको बंद करो सुना।